गुड एवरी वन वेलकम टू सोनम क्लासेस टूडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स टाइप्स ऑफ सेट्स सेट्स की जो है टाइप्स क्या क्या है कौन कौन से टाइप के हैं फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट सिंगल्टन सेट एम्पिटी नल वॉइड मतलब तीनों में से आप कोई भी नेम ले सकते हो चाहे एम्प्टी लो चाहे नल लो चाहे वॉइड एक ही बात है फिर इक्वल सेट्स फिर इक्वी सेट्स तो वन बाय वन इन्हें हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट देखो क्या है इस सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट अब वैसे देखो नेम से ही क्लियर है फाइनाइट मतलब जिसे काउंट किया जा सकता है गिना जा सकता है कहते हैं अ सेट इज सैड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे ना ये चीज की जिसकी एलिमेंट्स की संख्या क्या हो फाइनाइट हो उसे हम क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे एक ए सेट ले रखा है इसके अंदर हमने कर ली ब्रैकेट में देखो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व अप टू अपू अप टू अपू थर्टी और फिर ब्रैकेट क्लोज कर रखी है तो आप खुद देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको मालूम है और एंडिंग भी मालूम है बीच में जो भी है वो सारे नंबर्स आ जाएंगे तो हम इन्हें गिन तो सकते हैं ना ऐसा तो नहीं है कि यह अनगिनत है नहीं साफ पता चल रहा है थ्री का जो टेबल है वो थर्टी तक गया हुआ है यानी कि थ्री टेन या थर्टी तो देखा जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए टेन एलिमेंट्स हो गए तो ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है इसका मतलब ये सेट हमारा कैसे हो गया फाइनाइट देखो लिख भी दिया इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज It has finite number of elements. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो क्या है बी सेट में एस साफ ही पता चल रहा है इट इज सेट बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट ने अब नेक्स्ट देखो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है जबकि ऊपर वाले दोनों हमारे कौन से थे रोस्टर फॉर्म अब इसको रेड करते हैं कि कहना क्या जाता है कहते हैं इस सी सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है और जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है N N आपको मालूम है नेचुरल नंबर की फैमिली ठीक है आगे गए कहते हैं लेकिन नेचुरल नंबर की फैमिली में वो वाले एक्स लेने हैं जो 10 से तो क्या हो बड़े देखो एक्स की तरफ फेस है यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 19, तो कह रहा है कि ऐसा हमें नेचुरल नंबर लेना है जिसमें जो x है वो टेन से बड़ा हो और नाइनटीन से क्या हो छोटा हो तो बताओ ऐसे कौन से नेचुरल नंबर होते हैं जो टेन से बड़े और नाइनटीन से छोटे हो तो इलेवन से काउंटिंग शुरू कर देंगे कहाँ तक लिख देंगे एटीन तक तो बताओ इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं ना तो ये वाला सेट भी हमारा क्या हो गया फाइनाइट सेट तो ये हमारा टॉपिक था फाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सेट देखो इनफाइनाइट सेट अब देखो नेम से क्लियर है इनफाइनाइट जो फाइनाइट ना हो यानी कि जिन्हें गिना ना जा सके अ सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जिसके एलिमेंट्स की संख्या क्या हो इनफाइनाइट मतलब जिन्हें गिन ही ना पा रही हूँ कि कितने एलिमेंट है वो सेट हमारा क्या कहलाएगा इनफाइनाइट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ए लिया थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन अप टू सोन अब देखो थ्री का टेबल चल रहा है पर बताया ही नहीं कि कहाँ तक जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो इसका मतलब हम इसे नहीं गिन सकते तो ये सेट हमारा कैसा हो गया इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगला देखो सेट ऑफ हॉल नंबर आपको पता है ना जो हॉल नंबर होते हैं वो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव चलते जाते हैं कोई लिमिट ही नहीं होती तो हमारा हॉल नंबर का सेट भी क्या हो गया इनफाइनाइट फिर आया सेट ऑफ रेशनल नंबर हम बता ही नहीं सकते कितने रेशनल नंबर से बहुत सारे हैं जितनी मर्जी फ्रैक्शन ले लो उसके अंदर तो उल्टा नेचुरल भी इंक्लूड होते हैं होल भी इंटीजर्स भी फ्रैक्शंस भी वो भी हमारा सेट कैसा हो गया इनफाइनाइट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते तो ये सेट भी हमारा क्या हो गया इनफाइनाइट नेक्स्ट हमारा देखो क्या है सिंगल्टन सेट अब इसके नेम से क्या क्लियर हो रहा है सिंगल एलिमेंट तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा सिंगलटन सेट देखो अ सेट इज सेट टू बी सिंगल्टन सेट इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे सिंगलटन जैसे देखो ए सेट में हमने सिर्फ नाइन डाल रखा है एक ही एलिमेंट है ना तो ये कैसा सेट हो गया सिंगलटन सेट अब बी वाले सेट में देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो अब इसको हमें रीड करना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है देखो क्या है कहता है इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट हैं और x कहा से आ रहा है हमारा नेचुरल नंबर से लेकिन हम नेचुरल सारे नहीं रहे नहीं, नहीं, नहीं कंडीशन देखो क्या है रीड करो x जो है थर्टीन से ग्रेटर है और फिफ्टीन से लेस है तो बताओ थर्टीन से बड़ा और फिफ्टीन से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल है फोर्टीन इसका मतलब बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट है फोर्टीन तो हम अगर चाहें तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं फोर्टीन तो ये हमारा क्या हो गया सिंगलटन सेट नेक्स्ट हमारा देखो क्या है एम्प्टी नल वॉइड कोई भी नेम ले सकते हैं इसमें से एम्प्टी मैंने भी खाली होता है नल मैंने भी खाली वॉइड मैंने भी खाली तो इसका मतलब हम समझ के जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो सेट कैसा हो जाएगा एम्प्टी सेट नल सेट और वर्ड सेट देखो रीड करो अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट अगर इसका कोई भी एलिमेंट ना हो इसके अंदर तो वो सेट क्या कहलाता है एम्प्टी सेट और देखो क्या लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय फाइव और खाली ब्रैकेट यानी कि एम्प्टी ब्रैकेट होनी चाहिए फाइ या फिर खाली लेकिन होनी एक ही चीज चाहिए चाहे तो आप फाई ले लो या फिर ये खाली ब्रैकेट ले लो तो ये तो हो गया उसकी नोटेशन कि अगर आपका एमपटी सेट हो तो उसे इन दोनों में से किसी के भी इक्वल रख देना अब जैसे देखो पहला है ही खाली ब्रैकेट क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है दूसरा फाई के बराबर लिख दिया ये भी एम्पटी सेट है थर्ड देखो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है कहता है एक्स लेस देन वन अब आप खुद सोचो नेचुरल नंबर तो खुद ही वन से शुरू होता है तो वन टू थ्री और ये कह रहे हैं वन से छोटे वन से छोटे तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते इसका मतलब हमारा जो ये सी सेट है वो किसके इक्वल हो गया फाइव हमने ये सी सेट को क्या लिख दिया फाइव इक्वल क्योंकि उससे कहा था एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल और ये कह दिया एक्स लेस देन वन अब लेकिन हमारे तो नेचुरल शुरू ही वन से होते हैं आप देखो अब क्या इससे कम है कोई नंबर नहीं है इसका मतलब सी किसके बराबर हो गया एमपटी ब्रैकेट या फिर हम यू भी लिख सकते हैं कि सी किसके बराबर हो गया हमारा फाइव के नेक्स्ट देखो डी हमारा जो सेट है उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है Z Z मतलब इंटीजर से कैसे होने चाहिए एक्स सिक्स से बड़ा और सेवन से छोटा अब हम देखते हैं सिक्स और सेवन के बीच में तो कोई इंटीजर होता ही नहीं है तो अब हमने चेक किया कि इंटीजर टीचर तो हमारे ये होते हैं ना देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये पॉजिटिव काउंटिंग चलती जाएगी और इसी तरह से यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर यहाँ नेगेटिव काउंटिंग चलती जाएगी ठीक है अब जब ये पॉजिटिव काउंटिंग भी हमारे यहां से चलती जा रही है नेगेटिव भी चलती जा रही है तो अब आप देखो उसने क्या कहा एक्स इंटीजर होना चाहिए और सिक्स से बड़ा और सेवन से छोटा देखना क्या इन दोनों के बीच में कोई है नहीं है इसका मतलब जो d है वो क्या हो गया एम्पटी ब्रैकेट या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं d हमारा क्या हो गया फाइव तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारा क्या कहलाता है एम्पटी सेट नेक्स्ट हमारा देखो इक्वल सेट्स अब देखो यहाँ पर सेट नहीं लिखा क्या लिखा है सेट्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है क्योंकि देखो उसने बोला इक्वल अब कोई चीज़ इक्वल है या नहीं है उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा अब कंपेयर करना होगा तो कम से कम दो चीज़ तो होनी चाहिए ना या दो से ज़्यादा होनी चाहिए इसी वजह से यहाँ पर सेट्स लिखा है उससे पहले हम देखो सेट के बारे में यानी कि सिंगल सिंगल सेट के बारे में पढ़ा जा रहे थे अब देखो इक्वल सेट्स तो देखो सबसे पहले तो हम बताएंगे भाई हमारे पास दो सेट है हमने लिखा लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हमारे पास कितने सेट्स हो गए टू कहते हैं ए एंड बी आर सेट टू इक्वल सेट्स ए और बी को हम क्या कहेंगे इक्वल सेट्स कहेंगे इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी यानी कि ए का हर एक एलिमेंट किस में हो बी में एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए और B का हर एक एलिमेंट किस में हो A में अब आप खुद सोचो A के सारे B में जा रहे हैं B के सारे A में जा रहे हैं इसका मतलब तो दोनों इक्वल हैं तभी तो ऐसा हुआ तो वही वह कह रहा है अगर दो ही सेट लिए और उनको इक्वल कहना है तो A का हर एक B में होना चाहिए B का हर एक A में होना चाहिए अब देखते हैं ये देखो ये A सेट है ये B सेट है चलो चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है टू है इसमें देखो यस थ्री यस yes. हमें ये नहीं देखना कितनी बार है उसने बस ये कहा है कि वो होना चाहिए है ना थ्री यहाँ पर यस yes. फाइव है सेवन है नाइन है आप उल्टा करें थ्री हमें ये नहीं देखना दो बार है तीन बार है उसने ये चीज़ नहीं कही सिर्फ ये का एलिमेंट होना चाहिए और ये माना एक ही बार जाएगा हमारा जैसे थ्री फिर फाइव फिर सेवन फिर टू फिर Nine है तो ए के भी सारे बी में है बी के भी सारे ए में है तो ए और बी क्या हो गया इक्वल सेट तो लिख दिया रीजन भी जरूर लिखना है जब इक्वल कहेंगे ना ये तो नोटेशन होगी रीजन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए आगे देखो नेक्स्ट ए सेट सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म अब आप सोचो वॉवल कौन से होती है इसके अंदर है ए ई आई ओ यू अब बी तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में ही लिख के दे दिया ई आई ओ यू बस ए आई e, ओ यू इसमें भी है इसमें भी है इसके इसमें इसके इसमें तो हमने लिख दिया ए और बी इक्वल है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए नेक्स्ट देखो ए के अंदर है एक्स टाइप के एलिमेंट एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है नेचुरल से और एक्स किस से बड़ा है जीरो से बड़ा और इलेवन से छोटा है और बी के अंदर ये एलिमेंट है वन टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव 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 सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तो देखते हैं इसको सॉल्व करके देखो हमने लिया एक्स नेचुरल नंबर से और हमारा क्या था कि एक्स जीरो और इलेवन के बीच में है चलो स्टार्ट करते हैं इसे नेचुरल में वो नंबर जो जीरो से ग्रेटर हों और इलेवन से लेस हो तो जीरो से बड़ा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्योंकि उससे बोला ना जीरो से बड़े और नेचुरल नंबर तो वैसे ही वन से स्टार्ट होती हैं तो हमने लेना शुरू कर दिया और इलेवन से लेस का तो हमने इलेवन से पहले वाले नंबर तक लिख दिया तो ये हो गया हमारी ए की फॉर्म और बी तो ऑलरेडी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो अब चेक करें देखो वन है टू है थ्री है कितनी बार है हमें ये मतलब नहीं है बस होना चाहिए वो एलिमेंट फोर भी है फाइव भी है सिक्स भी है सेवन भी है एट भी है नाइन भी है टेन भी है आप यहाँ से देखें तो ये सारे भी हैं तो इसका मतलब हमारा ए के सारे एलिमेंट बी में है बी के सारे एलिमेंट ए में है तो क्या लिख देंगे यस yes, ए और बी इक्वल और रीजन क्या लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए ये देखो यही रीजन लिख दिया ना हमने चल, अब नेक्स्ट देखो ए ए बी सी डी ई और बी के अंदर देखो क्या ए ए बी सी डी चेक करें चलो ए है बी है सी है डी है ई e नहीं है तो ए के एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन बी के हैं लेकिन कंडीशन क्या है ए के भी बी में होने चाहिए बी के भी ए में होने चाहिए अब देखो वैसे बी वाले देखे ना है ए है बी है सी है डी है लेकिन ए वाले तो सारे नहीं है ना तो अब देखो हमने क्या लिखा ए ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन बी बिकॉज जो ई e एलिमेंट है वो कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है आपको मैंने बताया था पहले वाली वीडियोस में ये बिलोंग्स टू का साइन है ई e बिलोंग करता है ए में ठीक है बट लेकिन ई e कौन सी फैमिली में नहीं है बी वाली फैमिली में नहीं है तो जब आपको ये दिखे ना कि कोई एलिमेंट नहीं है और आपको नोट का बताना है तो आप वही एलिमेंट स्पेशल बता सकते हो कोई एक एलिमेंट भी अगर मना कर देता है तो वो सेट इक्वल नहीं होते तो हमने लिख दिया ई e ए में है लेकिन ई बी में नहीं है नेक्स्ट देखो हमारा क्या है इक्वी वैलेंट क्योंकि हमें चेक करना है कि दो या दो से ज्यादा सेट इक्वी वैलेंट है या नहीं है देखो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी अब आप कहोगे ये वर्ड पहले तो नहीं आया था यस yes, क्योंकि इक्वी वैलेंट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से काम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो तभी होंगे ना काउंट कर पाओगे जब वो फाइनाइट होंगे इसी वजह से यहां क्या लिखा है फाइनाइट सेट्स तो देखो क्या है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी यानी कि सबसे पहले तो आपके जो दोनों सेट है ना वो फाइनाइट होने चाहिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ से काम है जब गिन पाएंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना इक्विवेलेंट है या नहीं है तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अब देखो ध्यान से कहता है ए के एलिमेंट्स की संख्या एलिमेंट्स नहीं कह रहा एलिमेंट्स की संख्या बी के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए अंदर क्या एलिमेंट है उनको कोई मतलब नहीं है लेकिन दोनों के एलिमेंट्स की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर देखते हैं ए के अंदर लिया ए बी सी डी ई बी के अंदर लिया ए ई आई ओ यू काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया फाइव नंबर ऑफ बी क्या हो गया फाइव तो बस हमने लिख दिया नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है दोनों में फाइव है और ये होता है इक्वी का साइन और ये भी किसका साइन होता है इक्वी का तो जैसे इक्वल का तो यूं था इक्वल टू डाल दिया इक्वी में ये सिंबल और थ्री टाइम्स लाइन तो बस हमने लिख दिया यस yes, ए और बी हमारे क्या है इक्वी अगला देखो ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन थर्टीन ठीक है बी में कहता है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन ट well, तो अब हमने देखो क्या किया थर्टीन से कम प्राइम नंबर चलो प्राइम नंबर लें आपको मालूम है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं जो सिर्फ जिसके जो फैक्टर्स होते हैं या तो वन होता है या वो खुद होता है तो स्टार्ट करते हैं टू यस इसके दो फैक्टर हैं वन और इट्स सेल्व थ्री वन एंड इट्स सेल्व फाइव सेवन इलेवन थर्टीन से कम कहा था ना इसलिए थर्टीन नहीं लिया आप बी के पास चलो क्या कह रहा था इवन नंबर किस से कम ट्वेल्व से कम तो शुरू कर दो टू टू के बाद फोर इवन आता है फिर सिक्स आता है फिर एट आता है फिर टेन आता है ले लिया आप काउंट करते हैं ए के एलिमेंट एक दो तीन चार पांच तो लिख दिया नंबर ऑफ ए क्या हो गया पांच और इधर चलो एक दो तीन चार पांच यहाँ पे लिख दिया अब दोनों क्या है इक्वल तो इसका मतलब ए और भी क्या हो गए इक्वीवेंट तो हमारा ये कंप्लीट हो गया अब टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए। अब एक हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें हम कार्डिनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है देखो क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट अच्छा कार्डिनल नंबर भी कहता है कि भाई पहले आपका सेट क्या होना चाहिए फाइनाइट ठीक है कार्डिनल नंबर किसी कहते हैं पढ़ती हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑफ सेट सेट उस सेट के नंबर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर चलो ए लिया ए यू e, कुछ भी हो सकता है ए तो हमने काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव तो N मतलब ओफ ओफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइव तो बताना ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा जितनी उसकी संख्या है लिख दिया कार्डिनल नंबर ऑफ अ फ़ाइनाइट सेट ए इज फाइव इसी तरह से बी में देखो सेवन नाइन एट तो कितनी संख्या होगी तीन तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमारा क्या हो गया थ्री तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।